नाज़रीन खुशामदीद आपका फिर से कश्मीर लाइफ के लाए अपडेट्स में। जैसा कि आप लोग बताओगे कि आज काउंटिंग सुबह से ही चल रही है। अभी हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवारा के सामने मौजूद है। यहाँ पे कुपवारा के 4 काउंसिल में सुबह से काउंटिंग शुरू है और 2 काउंसिल जो वो हंदवारा के ITI में चल रही है। तो इस समय का जो लेटेस्ट अपडेट है, अगर हम कुपवारा काउंसिल से बात करें तो यहाँ पर मीर मोहम्मद फयाज जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पीपल्स डेमोक्रेटिक PDP के कैंडिडेट हैं, वो अभी 9768 वोट से लीड कर रहे हैं। उसके बाद नासिर असलमानी वो फॉलो कर रहे हैं उसको 17,746 वोट्स हासिल किए हैं। उसके बाद सजाद बिन लोन 7,352, उसके बाद पीरज़ादा फिरदौस, उसके बाद शबीना खान। तो ये ओवरऑल जो है ये इसमें अभी PDP लीड करे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसके बाद अगर हम लोलाब कॉन्स्टिट्यूंस की बात करें, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैसर लून लीड कर रहे हैं। सुबह से ही वो लीड टॉप पे थे, अभी भी वो लीड पे हैं। तो कुल जो उसने वोट्स हासिल किए हैं वो 16,426। उसके बाद दाऊद बशीर जो कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हासिल किए 9,128। उसके बाद वकील हक खान PDP के, उसके बाद हाजी फारूक। तो ये लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैसल लीड कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी की, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में सुबह से सुल्तान पंडित पुरी जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट थे वो लीड कर रहे हैं, लेकिन उसको ओवरकम किया है इंजीनियर रशीद के भाई ने। उसके बाद हंदवारा की बात करें तो हंदवारा में सजाद गनी लोन लीड कर रहे हैं, उन्होंने 21,920 वोट्स हासिल किए हैं। उसके बाद NCK चौधरी मोहम्मद रमज़ान, वो 20,508 वोट्स हासिल किए हुए हैं। अब्दुल मजीद बांडे जो कि इंडिपेंडेंट थे, वो 6,181 हासिल किए हैं। तो ये उन्होंने टोटल वोट्स वहाँ पर सजाद गनी लोन लीड करे हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसके बाद अगर हम बात करें लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी, आपने लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसर जमशेद लोन लीड कर रहे हैं, 16,426 हासिल किए हैं उन्होंने। उसके बाद लंगेट का आपने आपसे शेयर किया। उसके बाद त्राहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, त्राहगाम में NCK चौधरी मोहम्मद, त्राहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लीड कर रहे हैं वो अभी सैफुल अमीर NCK कैंडिडेट, 17,769 वोट्स उन्होंने हासिल किए। उसके बाद बशीर अहमद डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप पे, उसके बाद सेकंड नंबर पे है 14,260 बशीर अहमद डार पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, तो वहाँ पे वो लीड कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम करना कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, करना कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी NCK कैंडिडेट लीड कर रहे हैं, टॉप पे हैं। तो उन्होंने जो उनकी सुबह से वोट्स हैं, तो करना में जावेद अहमद मिर्चाल लीड कर रहे हैं, टॉप पे हैं। उन्होंने 12,921 वोट्स हासिल किए हैं। उसके बाद नज़ीर अहमद अवान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने 7,705 वोट्स हासिल किए हैं। तो ओवरऑल जो नेशनल कुपवारा के 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही हैं। नंबर 1 लोलाब, उसके बाद है त्राहगाम की कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस करना में लीड कर रही हैं। कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में फयाज भी लीड कर रहे हैं, उन्होंने 20,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। और अभी आप यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैं आपको विजुअल में दिखाने की कोशिश करूँगा कि अभी जो यहाँ पे लोगों की भीड़ है, रश है, वो अभी जिसने का पूरा माहौल बना हुआ है इधर कॉलेज के सामने। लोग काफ़ी तादाद में इधर आए हैं जिसने मनाने के लिए। हालांकि अभी फाइनल रिजल्ट यहाँ इस काउंटिंग स्टेशन से अभी नहीं आया है, लेकिन तब भी लोग जश्न मना रहे हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो हंदवारा में भी चल रहे हैं उनकी उसी काउंटिंग। और ज़्यादा लोलाब की बात करें तो कैसर जमशेद लोन वो लीड कर रहे हैं, वो टॉप पे हैं, 16,000 वोट्स में हासिल किए हैं। तो ये था आपसे, हमने एक लास्ट अपडेट, लेटेस्ट अपडेट पहुँचाया आपसे। फिर से एक बार फिर दरख्वास्त होगी, तब तक के लिए वीडियो जरूर।